नमस्कार दोस्तों डेली फाइव मॉक क्वेश्चन फॉर प्रम्स 12 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और सारे पी की पी एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है अगर चैनल के द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोस और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो तो चलते आज के पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे सेलिब्रेशंस,

lesser flamingos एंड वेटलैंड बर्ड्स who आर द migratory migratory बर्ड्स दोस्तों लेसर फ्लैमिंगो एक टाइप का टा फ्लैमिंगोस है ठीक है जो इंडिया में दिखाई देता है बेसिकली ये माइग्रेटरी बर्ड्स है हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बेसिकली जो पाकिस्तान एरिया है और सब सहारन जो अफ्रीकन कंट्रीज है उधर मैक्सिमम फ्लैमिंगोस दिखाई देते हैं ठीक है ये माइग्रेटरी बर्ड्स है ये सीजन में इनके जो माइग्रेटरी सीजन में मुंबई वेटलैंड में अक्सर आते थे तो आजकल इसके आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि मुंबई में जो वेटलैंड्स है उसकी एरिया उसके जो एरिया है वो डिक्लेन हो गया हैबिटेट फॉर फ्लैमिंग एंड वेटलैंड बर्ड्स हेज शू ट्वेंटी परसेंट इन एरिया सराउंडिंग मुंबई क्यों क्योंकि देखो समू थाउजेंड हेक्टेस ऑफ वेटलैंड्स वे आर लॉस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड जे एन पी टी एक्सपांशन वर्क देखो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जे एन पी टी बनाने के लिए सम टू थाउजेंड हेक्टेस ऑफ वेटलैंड्स लॉस्ट हुए थे तो वेटलैंड जैसे लॉस होगा फ्लैमिंगोस को आके बसने के लिए जगह नहीं है और ये इनकी ब्रीडिंग में अफेक्ट करते हैं ब्रीडिंग में अफेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होगा है कि नहीं फ्लैमिंगोज है विद इन ए टाइनी पीस ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज अभी देखो थोड़ा बहुत जो वेटलैंड बचा है उसी में आके रहना पड़ता है ए माइग्रेटरी बर्ड्स को साइंटिफिक नेम फॉर फ्लैमिंगो इज फिनी कोनाइसिस मिनोरा ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना क्योंकि फ्लैमिंगोस आजकल न्यूज में है इसलिए इसकी साइंटिफिक नेम भी जाना जरूरी है दीज आर द स्पीशीज फ्रॉम सब साधारण अफ्रीका एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया स्मॉलेस्ट पीस ऑफ फ्लैमिंगो देखो फ्लैमिंग में जो स्मॉलेस्ट स्पीशीज होता है इसको लेसर फ्लैमिंगो बोलते हैं दे आर ए टॉल एंड लार्ज बर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स द लेसर इज द मोस्ट न्यूमर स्पीशीज दैट फीड्स ऑन स्पिर लुना देखो ये क्या खाते हैं एक आलगे है स्पीर लुना बोलते हैं

अब देखो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है फ्लैमिंगोस और फ्लैमिंगो आर ए टाइप ऑफ वेडिंग बर्ड इन द फैमिली फिनी फीनी कॉप्टेर एक्चुअली सही है इसकी जो फैमिली का नाम है फिनी कॉप्टेडे दिस आर स्पीशीज फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ये तो सही है मैंने बता दिया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे इज ऑब्जर्व टू टाइम्स ए ईयर ठीक है साल में दो बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे ऑब्जर्व करता है फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर टू प्रमोट टूरिज्म इन एंड नलपाटो ये भी सही है राइट right, दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू रिस एनिमल डिस्कवरीज टू थाउजेंड नाइन एंड प्लान डिस्कवरीज टू थाउजेंड नाइन थ्री सिक्स पब्लिश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा पी टू एंड थ्री ओल्डी दोस्तों स्टेटमेंट वन गलत है एनिमल डिस्कवरीज इज बिंग पब्लिश इन द लाइफ स्टॉक टू थाउंडीन ऑल इंडिया रिपोर्ट बिल्कुल गलत है दोस्तों एक्चुअली एनिमल डिस्कवरीज जुअलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं एनिमल डिस्कवरीज करके जिस साल का है उस साल का डेट डाल के ठीक है वैसे प्लांट डिस्कवरीज कौन करता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं राइट देखो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एड अंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बी एस ए हेव पब्लिश देर एनमल डिस्कवरीज टू थाउजेंड नाइनटीन एंड प्लांट डिस्कवरीज टू थाउजेंड नाइनटीन देखो पिछली साल 364 न्यू ऑफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिस्कवर हुए राइट एनिमल डिस्कवरीज इज बी पब्लिश मतलब India, 2007. Right. आप देखो, इस साल का मतलब 2019 में जो हुआ, इस साल जो हुआ है टू थाउजेंड नाइनटीन का डिस्कवरीज है उसमें देखो रॉक डुवेलिंग गेको ये जो दिख रहा है यह है एफ्रोक ने राइट right? देखो ये मगधा नाम दिया है झारखंड के पास मिला है स्वरोक्तिका मगधा राइट right? अब एक प्लांट स्पीशीज है वाइल्ड फ्रेंड नेम पिटेरिस सुबिरियाना फाउंड इन केरला तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र ये एक प्लांट स्पीशीज है राइट right? दोस्तों अब हमारे स्टेटमेंट्स में देखते हैं ये स्टेटमेंट तो गलत है सेनेमा स्पीस अनंदानी विच इज एंड टू वेस्टर्न गार्ड्स इज वन ऑफ द एनिमल डिस्कवरी रिसेंटली बिल्कुल सही है टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंसर्न विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गैनिज्म यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों टैक्सोनोमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गैनिजम्स का ठीक है इसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं राइट क्वेश्चन नंबर थ्री रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवी जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ विच आर करेक्ट वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा द आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों दोस्तों सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या आया था न्यूज़ में यही था दोस्तों रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ ठीक है अब देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है मैंने आपको बता दिया ये एनिमल्स से रिलेटेड है एनिमल सर्वे से रिलेटेड है एनिमल्स की नया स्पीचेस को डिस्कवरी करने से रिलेटेड है ठीक है अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई बी ऑयल इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ हैव कम टुगेदर फॉर फर्दर एफर्ट्स इन डीएनए एन ए बार कोडिंग विच इज ए मेथोडोलॉजी फॉर रैपिडली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग स्पीशीज बाय सीक्वेंसिंग ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ स्टैंडर्ड जीन रीजियस एंड कंपेयरिंग इंडिविजुअल सीक्वेंस टू अर रेफरेंस डेटाबेस देखो दोस्तों जुअलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब नया स्पीशीज की एनिमल स्पीशीज की डिस्कवरी करते हैं ना तो सबसे पहले उनकी डीएनए चेक करते हैं तो डी एन ए चेक करने से यह पता चलेगा ये जो नया एनिमल स्पीशीज डिस्कवर हुआ है ये पुराना तो नहीं है हमारे लिस्ट में ऑलरेडी तो है ही नहीं है या नहीं है क्योंकि देखो नए स्पीशीज तो निकलते हैं ना जो डिस्कवरी करते हैं वो दिखने में एक जैसे लगेगा पर बिल्कुल अलग होगा ये ऐसे पता चलते है उनका डीएनए चेक करने के बाद अब ये आई ऑयल क्या करेगा इसके लिए एक रेफरेंस डाटाबेस बनाएगा मतलब जितने भी डी टेस्ट हुआ है ना उसके लिए एक रेफरेंस डाटाबेस बनाएगा तो ईसिली एक बार डी चेक किया उनको टैली करेगा है या नहीं

इंटरनेशनल का एक प्रोग्राम का नाम है के, बार कोड सब बारकोडिंग से रिलेटेड है एंड बायोस्कैन अभी जो चल रहा है फर्स्ट प्रोग्राम बार कोडेड फाइव लैक स्पीशीज ऑफ रिफ्लेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ वन फिफ्टी मिलियन बाई ऑर्गेनाइजेशन इन ट्वेंटी फाइव देखो फाइव स्पीशीज का डीएनए बार कोडिंग किया और डेटाबेस में चढ़ा दिया बिल्डिंग ऑन This success, BIOSCAN will extend barcode coverage to 2.5 million species by 2026. देखो 2026 तक 2.5 million species का barcoding करेंगे बोल रहा है। This program will simulate stimulate the activation of Planetary Biodiversity Mission (IBMs) final project. ए Planetary Biodiversity Mission जो है International Barcode of Life का एक project है, ठीक है? इसके बारे में इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए इंटरनेशनल बारकोड of Life क्या है और क्या काम करते हैं लोग राइट right, दोस्तों तो हमारी दोनों स्टेटमेंट इधर सही निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू किर्गिस्तान विच आर करेक्ट वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा द आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट वन गलत है दोस्तों किगिस्तान इसे एशियन कंट्री एंड फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक एक्सेंस फ्रॉम द कैस्पियन सी इधर ही गलत हो गया दोस्तों क्योंकि किर्गिस्तान जो है एक लैंड लॉक कंट्री है राइट right? कोई भी सी या ओशन इसको बॉर्डर नहीं करता है अब देखते हैं दोस्तों किर्गिस्तान आजकल न्यूज़ में है जो पोलिटिकल कैस चल रहा है किर्गिस्तान में इसकी वजह से अब किर्गिस्तान इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है क्योंकि जब भी ऐसे कोई इंटरनेशनल कोई जगह न्यूज़ में आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है अब देखो ये किर्गिस्तान है किर्गिस्तान का बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है कजाकिस्तान उजबस्किस्तान तजाकिस्तान एंड चाइना राइट किर्गिस्तान ऑफन रेफर टू एज द सेंट्रल एशिया ओल्डी डेमोक्रेसी से लैंड लो कंट्री देखो सेंट्रल एशिया का ओल्डी डेमोक्रेटिक कंट्री है किर्गिस्तान सिल्क रोड डेस्टिनेशन फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन सिल्क रोड हिस्ट्री इन किर्गिस्तान देखो जो हिस्टोरिकल सिल्क रोड है जो सिल्क रोड भी बोलते हैं उसके मेजर डेस्टिनेशन किर्गिस्तान में है कौन कौन सा है तैशराबाद बुराना टवर एंड ओस बजार ये भी कोई एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कहाँ है द माउंटेनियस तियानशान रीजन कवर्स एट्टी परसेंट ऑफ किर्गिस्तान एंड कंट्रीज इ स्विटसरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया देखो एट्टी परसेंट ऑफ किर्गिस्तान कवर करता है माउंटेनियस तियानशान रीजियन राइट इसको स्विटसरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं अब देखो हाइएस्ट पॉइंट इज जंगीस चोकोसू सेवन फोर थ्री नाइन मीटर राइट मतलब जो तियान्शान रीजियन का हाइएस्ट पॉइंट है जंगिस चोकोसू राइट दोस्तों आप स्टेटमेंट में चलते हैं स्टेटमेंट टू क्या है माउंटेनियस रीजन कवर्स एटी परसेंट ऑफ किस्तानी स्विजरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया बिल्कुल सही है इन किर्गिस्तान आर सेवरल हिस्टोरिक सिल्क रोड सिल्क्रोडिनेशन फॉर पीपल इंडस्ट्री इन सिल्क रोड हिस्ट्री बिल्कुल सही है दोस्तों मैंने बता दिया आपको राइट क्वेश्चन नंबर फाइव विद रेस्पेक्ट टू द ब्लू फ्लैग टैग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज करेक्ट वीडियो को पोस्ट करके चारों ऑप्शन को ठीक से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने पढ़ लिया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन टी इट इज एन एको टूरिज्म मॉडल फॉर बीचेस टू प्रोवाइड टूरिस्ट क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर फैसिलिटीज अम्यूनिटीज सेफ एंड हेल्थी एनवियोमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया दोस्तों ये न्यूज़ में आया था करंट अफेयर्स में कवर भी किया था ये ब्लू फ्लैग बीच इज एन एको टूरिज्म मॉडल टू प्रोवाइड टूरिस्ट क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर फैसिलिटी अम्यूनिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो दोस्तों बेसिकली बीचेस की डेवलपमेंट के लिए बीचेस में जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सेफ एंड हेल्थी एन्वयमेंट उनके लिए फैसिलिटीज अम्यूनिटीज़ हाइजीनिक बाथिंग वाटर ये सब प्रोवाइड करने के लिए ब्लू फ्लैग करके एक टैगिंग दिया जाता है अगर ब्लू फ्लैग टैगिंग मिल गया इसका मतलब okay है वो बीच हंड्रेड परसेंट ओके है यह सब फैसिलिटीज़ है उसमें ठीक है द सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाई डेनमार्क बेस्ड एजेंसी बेस्ड ऑन थर्टी थ्री स्ट्रिंजन क्राइटेरिया इन फोर मेजर हेड्स देखो ये सर्टिफिकेशन अवार्ड करते एक डेनमार्क बेस्ड एजेंसी है राइट अब देखो क्या क्या क्राइटेरिया चार हेड में है एक है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन बाथिंग वाटर क्वालिटी एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज़ इन द बीचेस ये चार हेड्स में रैंकिंग देते एक क्राइटेरिया इनका ये अगर सही तरह फॉलो हो रहा है तो ब्लू फ्लैग टैगिंग दे देते बीचेस को राइट द बीचेस दैट है अवॉयडेड द ब्लू फ्लैग देखो इंडिया में रिसेंटली आठ बीचेस को ब्लू फ्लैग टैगिंग दिया गया कौन कौन सा है शिवराजपुर जो गुजरात में है घोघला दमनान दीओ के दीव में है कासरकोट एंड पाडुबिद्री कर्नाटका में है दोस्तों एक कासरकोट सुनते ही आपको केरला का एक डिस्ट्रिक्ट याद आएगा केरला का डिस्ट्रिक्ट है कासरकोट पर ये कासरकोट जो लिखा है एक कर्नाटका में एक बीच है कापाट केरला कापाट केरला केरला का कैलीका डिस्ट्रिक्ट में एक बीच है जहां वास्कोडामा फोर्टीन नाइनटी एट में सबसे पहले आए थे ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश गोल्डन पूरी ओडिशा अनगर अंडामान एंड निकोबार आईलैंड्स राइट right? इन आठ बीचेस को ब्लू फ्लैग टैगिंग मिला है स्पेन सोफर हैज द हाईस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड साइट्स बाय द इंटरनेशनल जूरी देखो सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड साइट्स जो है वो स्पेन में है इंडिया इज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजियन विच हैज अचीव दिस फीट इन जस्ट अबाउट टू ईय टेम देखो दो तो साल के अंदर इंडिया को मतलब अपने करने का दो साल के अंदर इंडिया को ये ब्लू फ्लैग टैगिंग मिला हुआ है आठ बीचेस के लिए जापान साउथ कोरिया एंड यूएई ए आर द ओनली अदर एशियन नेशंस हु हैव बीन कंफर्ड कपल ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस हाउ ओवर इन टाइम फ्रेम ऑफ अबाउट फाइव टू सिक्स ईयर्स देखो जापान में साउथ कोरिया में यूएई में भी है जगह बीचेस है जिस जिसको ब्लू फ्लैग टैगिंग मिला हुआ है पर उनको पाँच से छः साल लग गया इंडिया जो है दो साल के अंदर अंदर इनको इंडिया के आठ बीचेस को ब्लू फ्लैग टैगिंग मिल गया दोस्तों राइट तो दोस्तों हमारे पांच क्वेश्चन सही थे ये कल का क्वेश्चन था आंसर इस ऑप्शन बी कुटनाड केरला दोस्तों कुट्टरनाड केरला के आलापुरा कोटेम एंड पतन तिट्टा डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है ये रीजन केरला के राइस बॉल भी बोला जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है केरला का ये एरिया का पेपुलैरिटी क्या है ये जो लिखा है वही है इट्स एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम पॉइंट मीटर अबोव टू टू मीटर्स बिलो सी लेवल देखो सी लेवल के बिलो है ये रीजन तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में नियरली टू डजन नेशन आर कमिटेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द ग्रेट ग्रीन वर्ल्ड ए चेन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड स्प्रेडिंग अक्रॉस द एटेयर कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्टर्न टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट टू ईस्टर्न टिप अबाउट वोट विच कॉन्टिनेंट द स्टेटमेंट रिफर्स टू इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो दोस्तों हमारे डेली फाइव मॉक क्वेश्चन फॉर फिल्म इधर खत्म हो रहा है उम्मीद है आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोगों की वैलेबल सजेशन कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इस पी की भी पी आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाएगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग